तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे OSI मॉडल होता क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल डेवलप्ड बाय ISO इन 1984 एंड इट डिफाइंस हाउ द डेटा विल ट्रांसफर। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन से हमें समझ में आता है कि ये जो मॉडल था ISO मॉडल, वो डेवलप्ड हुआ था 1984 में और ये डिफाइन करता है कि जो नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर होगा उसका फ्लो रेट क्या होगा, या डेटा वहाँ पे वो कैसे फ्लो करेगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क के वायर पे। और दोस्तों इसमें 7 लेयर्स होती हैं जो हम जानेंगे वन बाय वन कि एक्चुअली में इन लेयर्स का काम क्या होता है जब भी नेटवर्क पे काम करती हैं। तो दोस्तों जिसमें वो पहली होती है एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड होती है प्रेजेंटेशन लेयर एंड थर्ड होती है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली ये 7 जो इसकी लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के थ्रू जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उनमें डेटा ट्रांसफर होता है। अब हम जानेंगे इसके डेफिनीशन के बारे में कि एक्चुअली इन लेयर्स का काम क्या होता है। जब भी हम कोई नेटवर्क पर डिवाइस एक्सेस करते हैं, वो आप चाहे वाईफाई के थ्रू एक्सेस कर रहे हो या किसी लैन केबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो ये जो लेयर्स हैं ये वहाँ पे कैसे काम करती हैं। इसमें पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, ये यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जो ब्राउज़र लोग यूज़ करते हैं या ब्राउज़र पे जो भी सर्च करते हैं वो वहाँ पे एक यूज़र के साथ इंटरफेस करती हैं। लाइक जैसे आप जीमेल यूज़ करते हो, रिमोट एक्सेस करते हो, फाइल एक्सेस करते हो, जैसे किसी नेटवर्क के थ्रू अगर आप फाइल एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन लेयर काम करती है, क्योंकि इसके नाम से ही समझ में आता है कि एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरी लेयर के बारे में, प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है बेसिकली ये एप्लीकेशन लेयर से डेटा को रिसीव करती है और डेटा को रिसीव करने के बाद डेटा को कंप्रेस करती है और उसको इनक्रप्ट करती है। मतलब कि अगर डेटा हैवी साइज में है तो उस डेटा को कंप्रेस कर देती है ट्रांसफ़र करने से पहले, और उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देती है, मतलब उस डेटा पे वो सिक्योरिटी दे देती है जो कि प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। अब बात करते हैं सेशन लेयर के बारे में। ये जो डेटा है बेसिकली ये प्रेजेंटेशन लेयर से रिसीव करती है और इसका जो मेनली काम होता है वो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में होता है, जो कि डेटा को डिकम्पोज करती है, सिंक्रोनाइज करती है और टर्मिनेट करती है। ये 2-3 कुछ फीचर्स होते हैं जो कि सेशन लेयर के नीचे काम करते हैं। और नंबर 4th है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करती है डेटा की। सपोज अगर आपने कोई ईमेल भेजा है तो वो सेंडर के पास है और सेंडर के बाद से जब वो डेटा ट्रांसफ़र होता है रिसीवर के पास जाता है तो वो काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर वहाँ पे। एंड बेसिकली ये काम करता है TCP एंड UDP पे। एंड दोस्तों नंबर 3 पे है नेटवर्क लेयर। दोस्तों नेटवर्क लेयर का जो बेसिकली काम होता है IP एड्रेसिंग करना। अभी क्या होता है, कोई भी डेटा हो, कोई भी ब्राउजर हो, कोई भी URL हो, वो पर्टिकुलर एक IP के साथ मैप होता है। तो ये क्या करता है, उस डेटा को IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है ताकि जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपको भेजनी है वो उस IP एड्रेस के थ्रू पर्टिकुलर वो उस बंदे तक इन्फॉर्मेशन जाए। तो जो IP एड्रेसिंग का काम होता है वो होता है नेटवर्क लेयर का। एंड इसका जो मेनली काम होता है वो स्विच टू राउटर और राउटर टू स्विच होता है, क्योंकि इन द लास्ट एक नेटवर्क लेयर है जो कि आपके नेटवर्क डिवाइस पे काम करती है। एंड दोस्तों उसके बाद है डेटा लिंक लेयर। तो दोस्तों जो डेटा लिंक लेयर का मेनली काम होता है मैक एड्रेस, जो कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है आपके डिवाइस का, वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे टैबलेट हो, उस टैबलेट का पर्टिकुलर एक मैक नंबर होता है जो कि ये आइडेंटिफाई कराता है उस डिवाइस को कि ये पर्टिकुलर ये डिवाइस इस मैक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, जो कि और आप उस मैक एड्रेस को कभी चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो पर्टिकुलर आपका एक मैक एड्रेस होता है एक पर्टिकुलर डिवाइस का। एंड जो लास्ट है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन इन द लास्ट जब होता है सारी लेयर्स से आपका डेटा निकल के जब बाहर आता है एप्लीकेशन लेयर पे, तो ये क्या करता है कि आपके डेटा को वो सिग्नल्स में ट्रांसफ़र कर देता है जिसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। जो भी आप ब्राउज कर रहे हो या किसी को कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो या किसी को मैसेज कर रहे हो, इन 6 लेयर के बाद वो आता है आपका फिजिकल लेयर में और उस डेटा को वो एक बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है 01100001। वो डेटा के अकॉर्डिंग होता है, जैसा डेटा आपके पास होता है, जितना लेंदी आपके पास डेटा होता है वो टोटल डेटा को
एक बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, और बाइनरी फॉर्मेट कन्वर्ट करने के बाद में फिर वो रिसीवर के पास जाता है। आपने किसी को अगर मैसेज भेजा है तो वो डेटा उसके पास जाता है। अब क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं, जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 बताई, तो ये जब रिसीवर के पास डेटा जाता है तो ये लेयर्स जस्ट अपोजिट काम करती हैं। अब अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बताई, ये हो गया सेंडर के लिए। जो रिसीव करेगा उसको क्या करेगा, वो लेयर्स अपोजिट काम करती हैं, 7 6 5 4 3 2 1, तो तब जाके वहाँ पे डेटा वो कन्वर्ट होता है। और ये जो काम है डेटा ट्रांसफ़र रेट का या डेटा ट्रांसफ़र होने का, ये कुछ कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, जो कि हम लोग उसको देख नहीं पाते, जो हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये इतनी लेयर से होके डेटा जाता है तभी वो ट्रांसफ़र होता है। बट वो ऑर्ली ऐसे हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि ये बड़े बड़े सर्वर्स में आपका डेटा स्टोर होता है और वहाँ पे वो सारा ये डेटा प्रोसेस होता है। जब भी हम किसी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे मीन्स आप किसी सर्वर से कनेक्टेड हो और आप कुछ भी क्या करते हो, जैसे आपने सपोज google.com डाला, तो जैसे ही आप ब्राउजर पे google.com डालते हो, वो क्या करता है कि आपकी रिक्वेस्ट एक गूगल सर्वर पे भेजता है, और गूगल सर्वर से वहाँ पे रिक्वेस्ट आती है एक वापस से, तब जाके वो आपका पेज ओपन होता है। अगर आप कुछ भी ब्राउज कर रहे हो, कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो पहले जब भी आप जैसे ही टाइप करोगे उसको और इंटर करोगे, इसके बाद वो क्या करता है, वो नियरेस्ट सर्वर, जैसे कि नियर अबाउट, हर एक सिटी में एक सर्वर बना होता है। फॉर सपोज अगर गूगल का आप कोई ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, जैसे गूगल क्रोम, आप वहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो इनके नियर बाई लोकेशंस पे सर्वर लगे होते हैं जहाँ से ये डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही आपने वहाँ ब्राउजर पे कुछ भी डाला, वो तुरंत एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कुछ मिली सेकेंड में उस सर्वर के पास, और सर्वर पे वो देखते हैं कि इस बंदे को चाहिए क्या। ये सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है। जैसे ही डेटा डाला उस सर्वर पे गया, सर्वर ने जस्टिफाई किया कि आपको क्या चाहिए, वो तुरंत आपको वापस से उस ब्राउजर पे दिखा देते हैं। तो ये कुछ लेयर्स होती हैं, जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो तो डेटा इन लेयर्स के बीच में होके जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट।